गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज से हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने तरह की मैनेजमेंट होते हैं ये हमको सीखना है। बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा होता है कि ये जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के लोग ही मैनेजमेंट करते हैं, राइट? लेकिन बाकी किसी को मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होते हैं। मतलब जो रेगुलर अपना काम करते हैं उनको लगता है कि ये मैनेजमेंट अपना काम नहीं है, राइट? तो ये जो आप लोगों की मैंटेलिटी है या फिर ये जो लोगों की मैंटेलिटी है ना, ये एकदम गलत मैंटेलिटी है। आज के ज़माने में ये मेंटेलिटी बिल्कुल काम नहीं करेगी। ये सभी लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल के ऊपर मैनेजमेंट अप्लाई होती है, क्लियर? और किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में सभी लोग मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं, राइट? चलो हम मान लेते हैं कि हर लेवल के ऊपर मैनेजमेंट, हर लेवल के ऊपर क्या होती है, एक्ट होती है। तो आज के वीडियो हम यही देखने वाले हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा होता है सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तीन अलग अलग लेवल के ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन इन तीनों से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो फर्स्ट थिंग है दैट इज कॉल्ड एज अथॉरिटी एंड सेकेंड थिंग इज अकाउंटेबिलिटी, राइट? राइट? तो किसी भी कंपनी में जब हम जाते हैं तो अथॉरिटी कम्स फर्स्ट। मान लो कि कोई भी कंपनी में जो ऑर्डर मिलता है, तो ऑर्डर मिलने के बाद उस ऑर्डर का सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहता है, वो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कौन लेता है, उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है या फिर उस कंपनी का चेयरमैन लेता है या फिर उस कंपनी का जनरल मैनेजर लेता है, क्लियर? क्लियर? अभी ये जो ऑर्डर आएगा ना, किसी भी कंपनी का जो भी ऑर्डर होगा ना, ये ऑर्डर कौन निकालेगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं ना, वो अपना अपना ऑर्डर निकालते बैठेंगे, राइट? और वो ऑर्डर क्या करते रहेंगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे मिडल लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में ना, तो ये सारे लोग उस ऑर्डर्स को फॉलो करते रहेंगे, राइट? हम एक छोटा सा सीधा साधा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हमारी फैमिली का। अगर आप घर में सबसे यंगेस्ट हो, सबसे यंगेस्ट का मतलब क्या, आप घर में सबसे छोटे हो, तो आप अपने पापा से कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो या आप अपने पापा को कभी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बोलते हो क्या कि पापा आप यहाँ पे खर्चा करो या यहाँ पे खर्चा मत करो? हाँ, एज अ पार्ट ऑफ जोक हम ऐसे पापा को बोल सकते हैं कि पापा ये मोबाइल अच्छा है, वो मोबाइल अच्छा है, लेकिन पापा को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पापा 50,000 का टीवी लेना ही चाहिए या फिर 1,00,000 का मोबाइल लेना चाहिए, मुझे बाइक देनी ही पड़ेगी, राइट? ये जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है ना, तो इस अकाउंटेबिलिटी को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्लियर? सो दैट इज द मेन इशू, दैट इज द मेन, राइट? तो अकाउंट के रिलेटेड, मतलब मनी रिलेटेड जब भी कोई बात आती है ना, तो जब हमारे पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो और ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, राइट? क्योंकि उनका जो तजुर्बा है, उनका जो नॉलेज है, उनका नॉलेज हमारे से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो हमको बताते हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, राइट? तो इसका मतलब क्या है, जो भी अथॉरिटी है ना, वो अथॉरिटी कहाँ से आएगी, ऊपर से आएगी, और उस अथॉरिटी को फॉलो कौन करेगा, नीचे वाले जो भी लोग हैं ना, उस सभी अथॉरिटी को फॉलो करते रहेंगे। ये ऊपर वाला पर्सन नीचे वाले पर्सन को अथॉरिटी देता है कि तुमको ये काम करना है और तुमको ये काम नहीं करना है, राइट? अभी ये जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं ना, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को या फिर सुपर लेवल मैनेजमेंट को अथॉरिटी देने का काम करता है। तो ये जो अथॉरिटी का जो ग्राफ आप लोग देख रहे हो, ये अथॉरिटी का ग्राफ कैसे आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ के आने लगा, राइट? लेकिन उसके एग्जैक्टली अपोजिट अगर आप देखते हो, तो एग्जैक्टली अपोजिट क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसर देने की जिम्मेदारी, राइट?
मतलब कोई भी पर्सन अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन पूछने की जिम्मेदारी कहाँ से शुरुआत होती है, वो देखो आप लोअर लेवल मैनेजमेंट से शुरुआत होती है। अगर आप इसके ग्राफ को देखते हो ना, तो ये ग्राफ देखो कहाँ से नीचे से शुरुआत होता है, ऊपर तक जाता है, राइट। इसके रिलेटेड भी अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो अगर पापा ऑफिस से अगर लेट आते हैं तो हम एज अ कैजुअली पूछते हैं कि पापा आप लेट क्यों आए, लेकिन मान लो कि आप आपके किसी फ्रेंड्स के यहाँ पे बर्थडे मनाने के लिए गए हो और बर्थडे से रिटर्न आते टाइम आप लोग आपको बहुत सारा समय लग गया, तो पापा एज अ गुस्से से आपको बोल सकते हैं कि बेटा इतना लेट क्यों हो चुका है, आप कहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, राइट। मतलब आंसर देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आंसर देने का जो अकाउंटेबिलिटी है ना, वो आंसर किसको देना पड़ेगा, जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं या फिर सुपरवाइजरी लेवल के जो लोग हैं ना, उनको ये क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है, राइट। दैट मीन्स दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स, फर्स्ट वन इज द अथॉरिटी एंड सेकंड वन इज द अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल से आती है, और जो अकाउंटेबिलिटी होता है मतलब आंसर देने की जब बारी आती है, किसी भी चीज़ का जब हमको आंसर देना होता है, वो आंसर देने की बारी जब आती है, वो आंसर देने की बारी जब आती है, तो जो लेवर सॉरी जो सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजमेंट के जो लोग हैं ना, उनको ज़्यादातर आंसर देने की बारी उन्हीं के ऊपर आती है। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर उसमें होता है। इसका मतलब क्या है, जो अथॉरिटी है ना, वो अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट, और यू कैन सी इट एज अ सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। और जब आंसर देने की बारी आती है, या फिर जो आंसर देने वाले होते हैं, वो आंसर देने वाले कौन होते हैं, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। एंड किनको उनको जवाब देना पड़ता है, या फिर हुम दे आर आंसरेबल टू, सो दैट इज आंसर इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट। दैट मीन्स सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के लोग आंसरेबल होते हैं, किस किनको आंसरेबल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों के लिए, राइट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार का मैनेजमेंट सिस्टम होता है, राइट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तीन होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इसमें तीन अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, सॉरी तीन अलग अलग लेवल मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो इसमें अगर हम ओवरव्यू लेते हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं, मिडल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, तो पहले हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, क्लियर। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, फर्स्ट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। तो जितने भी लोग होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसमें आएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो कंपनी के जो सारी डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन मेकिंग कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट इज BOD, राइट। फिर उसके बाद कौन आता है, चेयरमैन आता है, उसके बाद कौन आता है, जनरल मैनेजर, उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स। अभी ये जो सारे लोग हैं ना, ये सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी होती है ना, सारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं, वो सारे के सारे मेजर डिसीजंस कौन लेते हैं, इन लोगों के हाथ में होता है, राइट। अगर आप हर जगह देखते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चीफ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी चीफ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी चीफ लिखा हुआ है, राइट। तो क्लियर, मतलब सबसे ज्यादा जो अथॉरिटी होती है, वो सबसे ज्यादा अथॉरिटी किस में होती है, या कौन से लोगों के पास होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। अभी हम बात करेंगे मिडल लेवल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे कौन कौन होता है, परचेस मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, प्लांट सुपरिंटेंडेंट होता है, डिविजनल हेड होता है, डिपार्टमेंटल हेड होता है, ये सारे लोग किस में आएंगे, मिडल लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी मिडल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे, राइट। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब स्ट्रक्चर कंसिडर करोगे ना, तो स्ट्रक्चर कंसिडर करते टाइम
अगर हम मिडल लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे ऊपर कौन आता है? सबसे ऊपर आता है हमारा बॉस, राइट? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप पोजीशन पे कौन आता है? एक बॉस आता है। बॉस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो हर डिपार्टमेंट का क्या करेगा? एक एक डिपार्टमेंटल हेड या फिर एक 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 परचेस मैनेजर बनाएगा। दैट इज, ये बॉस के अंडर जो एग्जैक्टली काम करने वाले लोग होते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। दिस ग्रुप कम अंडर्स द मिडल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? राइट। तो अगर हम अभी अगर बात करते हैं सुपर लेवल मैनेजमेंट की, तो उसमें कौन कौन आता है? सुपरवाइजर आता है, सुपरिटेंडेंट आता है, फोरमन आते हैं, सेक्शन ऑफिसर आता है, क्लर्क आता है, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव। मतलब आप कंसिडर कर सकते हो इन दोनों, इसमें इन दो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो दो लोग नहीं आते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम? सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं होता है जो हमने इनिशियली बात किया था कि जो मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स है या फिर मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ टॉप लेवल के लोगों के लिए होता है। अगर ऐसा कोई पूछता है आपको, इज द मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू ओनली अ टॉप लेवल मैनेजमेंट और ओनली अप टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टोटली रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि आप सुपरवाइजर पोजिशन पे हो तभी भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। आप चाहे क्लरिकल वर्क कर रहे हो, क्लरिकल हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप क्लर्क भी अगर रहते हो तभी भी आपको क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट करना पड़ता है, राइट? तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे? हमारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस देखे थे, सॉरी, जितने भी हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखे थे ना, उन सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हम नेचर देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे और उन सब का फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट नेचर ऑफ मिडिल क्लास मैनेजमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। दिस सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज लोअर लेवल मैनेजमेंट और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ बॉटम लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम कि विच आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? राइट? तो उसमें क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? तो किसी भी कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, मतलब जो मैनेजमेंट के सारे डिसीजंस लेते हैं, सो ऐसे बंदे, मतलब जो कि कंपनी में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कंपनी का उनको बहुत साल से एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, बहुत एक्सपीरियंस भी है और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी लोग हैं, राइट? तो ऐसे सारे के सारे लोग इसमें क्या होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, राइट? इट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, मतलब जो सबसे ज़्यादा सीनियर है, जिसको बहुत सालों से कंपनी का प्रॉफिट और लॉस का एक्सपीरियंस है, जो कंपनी को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं या फिर कंपनी को अलग अलग प्रॉफिट के लेवल्स के ऊपर तक लेके जा सकते हैं, ऐसे सारे बंदे, ऐसे सारे लोग जो कि वेल एजुकेटेड है, जो कि वेल डिसिप्लिन्ड है, जो कि वेल प्लानिंग करते हैं, ऐसे सारे लोग यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर वो काम करते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसमें चेयरमैन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं या फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स भी इसी में इंक्लूड होते हैं, राइट? तो इसमें कौन आता है? चेयरमैन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है, मतलब शेयर होल्डर्स का भी चेयरमैन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। सो मैनेजमेंट, आपकी कंपनी का जो भी मैनेजमेंट देखता है उसका नाम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मेन लीडर होता है उसी को बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स। जनरल मैनेजर, जो एक हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर को
कंट्रोल में रखता है या फिर ऑर्डर देता है वो क्या होता है, जनरल मैनेजर होता है। अगर आपकी कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर्स है तो उन सारे शेयर्स के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, प्रेसिडेंट होता है। उस प्रेसिडेंट के अंडर जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो वाइस प्रेसिडेंट भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। मतलब क्या, जितना भी एग्जीक्यूशन का काम होगा ना, वो सारा एग्जीक्यूशन का काम एग्जीक्यूट करने वाला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता होगा, राइट। तो बहुत सारे टीवी अगर शोज आप देखते हो तो वहाँ पे बहुत सारे सीओ सीओ सीओज ऐसा आता है, राइट। तो जितने भी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगा ना, ये ऐसा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी करने वाला ऑफिसर कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, राइट। दूसरा अगर देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। दैट मीन्स जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगे वो सारे के सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने वाला कौन होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। देखो कंपनी में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, मार्केटिंग होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, राइट। तो इन सारे ऑपरेशंस के ऊपर जिसको कंट्रोल रखा जाता है वो कौन होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होता है। क्लियर क्लियर। तो इन सब को छोड़ के अगर आपके माइंड में और भी होता है कोई, जैसे कि हमारे कॉलेज के डायरेक्टर एंड हेड होंगे, किसी भी स्कूल का मुख्याध्यापक होगा या हेडमास्टर होगा, या फिर किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल होगा, दैट ऑल कम्स अंडर द हेडिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ये सारे के सारे जो नाम हैं आप इस टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इंक्लूड्स द ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन्स इसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट ऑफ द अदर पीपल। मतलब ये जो टॉप लेवल के लोग होते हैं ना, इनको सिर्फ खुद के बारे में सोचना नहीं होता है, उनको खुद के साथ भी कंपनी के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं या फिर कंपनी में बाकी जो लोग हैं ना, उनको कौन सा काम प्रोवाइड करना है, उनसे काम कैसे करवा के लेना है, इनके बारे में भी उन्हीं को सोचना पड़ता है, राइट। इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट, जैसे लास्ट स्लाइड में हमने बताया था आपको, एक ट्रायंगल की तरह होता है, राइट। और सबसे ऊपर कौन लोग होते हैं, सबसे ऊपर कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये यहाँ पे होता है। मतलब उनको क्या करना पड़ता है, उनको पहले खुद का डिपार्टमेंट संभालना पड़ता है। मतलब जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके जो भी काम है ना, उन सारे काम को उनको पहले कंप्लीट करके बाद में उनके अंडर जो दो लेवल ऑफ मैनेजमेंट आते हैं, मिडल लेवल मैनेजमेंट या फिर बॉटम लेवल मैनेजमेंट, इनको उनको इंस्ट्रक्शन भी देना पड़ता है। दैट मीन्स ये ऐसे लोग होते हैं जो एज अ लीडर बन के काम करते हैं, इसीलिए वहाँ पे लिखा है देखो, लीडर, दे शुड बी द लीडर। उनको पहले क्या करना पड़ता है, खुद को पहले लीडर बनाना पड़ता है और उसके साथ में ही दे हैव टू डायरेक्ट। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, अभी देखो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को असाइनमेंट लिखना चाहिए, आप लोगों को डेली पढ़ाई करनी चाहिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब कंपनी का जो भी प्रोडक्शन है ना, कंपनी का प्रोडक्शन कौन से वे में होना चाहिए, कंपनी ने किस तरीके से काम करना चाहिए, ये मिडल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट को डिसाइड करने वाला या फिर उन दोनों को डायरेक्ट करने वाले जो लोग होते वो कौन होते हैं, लीडर होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसीलिए कंपनी के पॉलिसीज जो है वो पॉलिसीज वगैरह वही लोग डिसाइड करते हैं। क्लियर, राइट। और दूसरी बात, अगर आप इस ट्रायंगल को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो ना, मान लो कि ये ट्रायंगल मैं फिर से निकाल देता हूँ, अगर इस ट्रायंगल को आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो देखो जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, देखो बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग इंक्लूड होते हैं। मिडल लेवल मैनेजमेंट में भी आप देखो, मिडल लेवल मैनेजमेंट भी बहुत स्पेस है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हो ना, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बहुत कम लोग इंक्लूड हो सकते हैं, राइट। इफ यू सी दिस ट्रायंगल केयरफुली, द बॉटम लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल, द मिडल लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर, बट इफ यू कंसिडर द टॉप
टॉप लेवल मैनेजमेंट, वहाँ पे जो ट्राइंगल का जो अपेक्स होता है ना, ये ट्राइंगल का जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है ना, वहाँ पे देखो बहुत कम ही लोग वहाँ पे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। क्लियर? राइट। मान लो कि आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर लो। देखो आप बहुत सारी कंपनीज आप लोगों ने देखी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी में कितने बॉसेस होंगे, कितने लीडर्स होंगे। राइट। आपने कोई ऐसी कंपनी का नाम सुना है जहाँ पे 1000 बॉस है और 10 वर्कर्स है, ऐसा आपने कभी सुना है? ऐसा कभी भी सुना नहीं होगा। आपने ऐसा ज़रूर सुना होगा कि किसी कंपनी में 10 बॉस है और उनके अंडर 1000 वर्कर्स क्या करते हैं, काम करते हैं। राइट। तो लेकिन ये बंदे अगर कम भी होते हैं, ये जो लोग हैं ये लोग अगर कम भी होते हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, उनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनकी काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, उनकी डिसीजन लेने की एबिलिटी अच्छी होती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। राइट। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, देखो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया, सॉरी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट हर लेवल के लोग मैनेजमेंट करते हैं, चाहे वो टॉप लेवल के हो, मिडिल लेवल के हो, या फिर बॉटम लेवल के। हर बंदे अपने अपने लेवल के ऊपर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ थिंग्स मैनेज करते हैं। लेकिन ये जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट का जो डिसीजन होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उनका जो मैनेजमेंट होता है ना, वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इन टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन पूरी कंपनी के पॉलिसीज के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। राइट। इफ द डिसीजन टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज टोटली रॉन्ग, देन द टोटल कंपनी विल सर्वाइव विद देयर डिसीजंस। मतलब अगर मान लो कि किसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है, तो अकॉर्डिंग टू देयर डिसीजन उसका जो भुगतान है ना, उसका पूरा का पूरा भुगतान उसी कंपनी के पूरे एम्प्लॉयज़ को, पूरे मैनेजर्स को, पूरे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट को, उनको करना पड़ेगा। राइट। सो इसीलिए मैनेजमेंट हर लेवल पे होता है, लेकिन वॉट एवर द डिसीजन टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट विल डेफिनेटली अफेक्ट द डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ द कंपनीज। लास्ट पॉइंट है, द मैनेजर वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। सो इफ यू कंसिडर द प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था, जो अथॉरिटी है ना, वो अथॉरिटी यहाँ से स्टार्ट होती है देखो, और वो नीचे, जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो अथॉरिटी की जो वैल्यू है वो कम होती है। इसीलिए लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, देखो, दिस मैनेजर्स और द टॉप लेवल मैनेजमेंट हैव अ मैक्सिमम अथॉरिटी। मतलब सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके ऊपर होती है, या फिर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी कौन पजेसेस करता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है। दैट मीन्स किसी मैनेजर को निकालना है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के किसी मैनेजर को निकालना है, किसी वर्कर को निकालना है, किसी वर्कर के ऊपर कुछ एक्शन लेना है, तो इन सब की जो अथॉरिटी है होती है, उन सब की अथॉरिटी जो होती है, वो अथॉरिटी किसके ऊपर होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों के पास उतनी अथॉरिटी होती है। क्लियर। अभी हम बात करेंगे विच आर द डिफरेंट मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अभी तो हमने देखे थे कि विच आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अभी हम बात करेंगे विच आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो उसमें फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब आपको कंसिडर करना है कि कोई भी एक इंडस्ट्री है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई भी कंपनी है। राइट। देखो किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपकी लाइफ का। देखो हम सब लोग जीते हैं, लेकिन हर एक के लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। राइट। मान लो कि मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है, किसी और सर का ऑब्जेक्टिव अलग होगा, किसी और बंदे का अगर कंसिडर करोगे तो उसका ऑब्जेक्टिव अलग होगा। राइट। तो ठीक उसी प्रकार से हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंडस्ट्री का खुद का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो मैनेजमेंट सिस्टम हम लगाते हैं।
मान लो कि हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिट किया जाएगा, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन मिलेगा और उन सबको पढ़ाना चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू देम, इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आप हॉस्पिटल कंसिडर करते हो तो हॉस्पिटल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनके पास जितने भी पेशेंट है ना, उन सब पेशेंट्स का जो इलाज है वो इलाज अच्छे तरीके से होना चाहिए और कम से कम दाम में होना चाहिए। यह हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव होगा। कोई और अगर कंपनी लेते हो तो उनका ऑब्जेक्टिव अलग होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, किसी भी कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो ऑब्जेक्टिव्स कौन डिसाइड करता है? उस कंपनी के जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग हैं, यही वो ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। द टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, वो मेन ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है? ये लोग डिसाइड करते हैं। ये देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग कल क्या करना है, आज 5 बजे क्या करना है, कल सुबह क्या करना है, ऐसे बातें वो सोचते नहीं है। उनका जो गोल होता है ना, या फिर उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट बिकम्स वेरी मच ब्रॉड माइंडेड। मतलब वो आगे 10 साल का सोचते हैं कि 10 साल के बाद हमारी कंपनी कहाँ पे होगी, उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी डिसाइड करेंगे। दे फॉर्म द लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। कंपनी के लॉन्ग टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में डिसीजन किनका मेन डिसीजन होगा? जो भी टॉप लेवल के लोग हैं ना, उनका मेन डिसीजन लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म मतलब यहाँ पे 2-3 दिन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है उनके पास, राइट? कम से कम 6 महीने 1 साल का वो ऑब्जेक्टिव पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। नेक्स्ट, फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। कंपनी के जो भी प्लान्स है, कंपनी की जो भी पॉलिसीज है ना, उनके बारे में भी उनका जो फ्रेमवर्क है, मतलब कंपनी की पॉलिसी कितनी होनी चाहिए, हर ऑपरेटर्स को या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर हायर लेवल मैनेजमेंट में जो मिडल लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको सैलरी कितनी देनी है, उनकी पॉलिसीज क्या है, उनका पीएफ कितना कट होना चाहिए क्या नहीं, ये सारी पॉलिसीज कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग डिसाइड करते हैं, राइट? दैट मीन्स इट इंक्लूड्स, इसमें जो भी लोग हैं ना, वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, अलग अलग प्लान और पॉलिसीज डिसाइड करती है। हर कंपनी की पॉलिसी अलग अलग होती है। देखो, कंपनी की पॉलिसी मान लो कि किसी कंपनी को फ्राइडे छुट्टी होती है, किसी कंपनी को सैटरडे छुट्टी होती है। कोई कोई कंपनी क्या सोचता है कि जो गवर्नमेंट हॉलीडे देगा वो हॉलीडे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे जो सारे के सारे प्लान्स और पॉलिसीज है ना, वो कौन डिसाइड करता है? वो कौन डिसाइड करता है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट विल डिसाइड द डिफरेंट प्लान्स एंड द पॉलिसीज फॉर द कंपनी। और ये प्लान्स और पॉलिसीज कुछ इस तरह की होती है दैट दे कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय देम। देखो, ये प्लान और पॉलिसीज हम क्यों सेट करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेन कंपनी का मेन मोटो क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये सारे के सारे प्लान और पॉलिसीज उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द पर्सन वर्किंग एट मिडल लेवल। जैसे मैंने अभी आपको एक बताया था, देखो एक पर्टिकुलर बॉस होता है, उस पर्टिकुलर बॉस के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 अलग अलग डिपार्टमेंट है, राइट? तो वो क्या करेगा, 5 अलग डिपार्टमेंट के लिए 5 डिपार्टमेंटल हेड सेलेक्ट करेगा, राइट? ये 5 डिपार्टमेंटल हेड के अंदर, मान लो कि फर्स्ट के अंडर 100 लोग काम करते हैं या फिर 10 लोग काम करते हैं, यहाँ पे भी 10 लोग काम करते हैं, यहाँ पे भी 10 लोग काम करते हैं, इनके अंडर भी 10 लोग काम करते हैं और इनके अंडर भी 10 लोग काम करते हैं, मान लो कि टोटल 50 लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो बॉस है ना, ये बॉस डायरेक्टली इन 50 को बोलेगा नहीं कि तुमको ये काम करना है, तुमको वो काम करना है, राइट? वो क्या करेगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग है, वो जो मिडल लेवल मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स है या फिर मिडल लेवल मैनेजमेंट के जो भी मैनेजर्स है ना, उनको वो उनका काम असाइन करके देगा, राइट? यहाँ पे लिखा है, देखो, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द पर्सन
वर्किंग एट मिडल लेवल, मतलब जो भी पर्सन मिडल लेवल के ऊपर काम कर रहा है ना, उसकी एक्टिविटी कौन डिसाइड करके देगा या फिर कौन ऑर्गेनाइज करके देगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग उनको बताएंगे कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है या फिर ये पर्टिकुलर काम आपको नहीं करना है। क्लियर? असेंबलिंग द ऑल रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस एसेट्स एक्सेट्रा, राइट? कंपनी का जो भी फाइनेंस है ना, मतलब कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगी, इसका भी जो डिसीजन है वो भी डिसीजन कौन लेने वाला है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग ही ले सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंजेस ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द डे टू डे एक्टिविटी। जब फाइनेंस की बात ही आती है ना, फाइनेंस रिलेटेड, अगर कंपनी में फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेना है या फिर फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करनी है तो वो कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। एंड दैट एक्टिविटी इज टू बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ डे टू डे एक्टिविटी। कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटी होती है ना, रिलेटेड टू फाइनेंस ओनली, दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। दे बाय द फिक्स्ड एसेट्स। एसेट इस वर्ड का मतलब होता है संपत्ति। किसी भी कंपनी की जो संपत्ति होती है वो इन द फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ द शेयर हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ द कंपनी सॉरी इन द फॉर्म ऑफ द मशीन्स हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ इट्स वर्कर भी हो सकती है, राइट? तो ये जो फिक्स्ड एसेट है ना, मतलब कंपनी की जितनी भी संपत्ति है या फिर कंपनी की जितनी भी एसेट्स है ना, उस एसेट्स के बारे में जो भी डिसीजन लेना है, मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी 50 मशीनरीज है और 50 मशीनरीज में से 20 मशीनरी काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, तो ये 20 मशीनरी बेचना है या नहीं बेचना है, इसके रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा ना, वो डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग लेंगे। क्लियर?